हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप। मैं आ गई किचन में, 2:15 हो रहे हैं दोपहर का खाना बनाने के लिए। पर उससे पहले कुछ और दिखाते हैं आपको कि मैं अभी क्या कर रही थी। मैं जो चीज़ आज करेलों का काम करना था ना, मुझे वो कर हेलो व्यूअर्स, ये करेले थे मेरे पास, 5-6 करेले थे सारे। उनको मैंने क्या करा, धो के जब लाए थे तब तो धो के हमने बाहर सुखा ही लिए थे। तो उसके बाद मैंने आज अभी थोड़ी देर पहले क्या किया है, अभी 5-10 मिनट पहले ही, तो मैंने उन करेलों को जो है ना, ऊपर का छिलका जो है उससे चाकू से, या आप उससे भी छील सकते हो ऊपर का ग्रीन ग्रीन छिलका, क्योंकि वो कड़वा होता है। तो आज हम करेले थोड़े अलग तरीके से बनाने वाले हैं। तो वो छिलका मैंने छील लिया था और उसके बाद मैंने इसको मोटा मोटा गोल गोल काट लिया। ये देखिए इस तरह से, इतना मोटा मोटा, आप चाहो तो इससे भी मोटा थोड़ा काट लो, ये देखिए ठीक है, मोटा मोटा काट लिया है। और इसके ऊपर मैंने नमक लगा के रख दिया है। अब इसको आधे से 1 घंटा रखना है हमको, ठीक है। और जब तक मैं और काम कर लेती हूँ, जब तक ये देखिए नमक जो है ये पानी छोड़ देगा, तो फिर हम इसको वॉश कर लेंगे। तो पहले इतना ही कर लेते हैं, इसको नमक लगा के रख दिया है, तो चलो तब तक दूसरे काम निपटाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ये देखिए मेरे करेले जो मैंने दोपहर से रखे हुए थे नमक लगा के, अब मैं इसको धोने लगी हूँ। धो के इसको अच्छे से निचोड़ लूँगी थोड़ा हाथ से दबा के, उसके बाद फिर आगे का करते हैं क्या करते हैं। और दूसरी रेसिपी पे आ जाते हैं, ये हैं करेले। इनको 2 बार पानी से अच्छे से धो के मैंने निचोड़ लिया, निचोड़ने के बाद इतना पानी निकला। ये पानी अब किसी काम का नहीं है, ये कड़वा पानी होता है, इसको फेंक देते हैं, साइड में रख देते हैं मतलब। और इसको अब हम इसका तैयार करते हैं, इसमें क्या क्या डालना है और आगे कैसे होगा। 2 चम्मच इसमें बेसन डलेगा, मतलब मेरे छोटे चम्मच है इसलिए मैं 2 चम्मच डाली, बड़ा 1 चम्मच डलेगा, ठीक है। तो बेसन तो मैंने डाल लिया है, पर और इसमें 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर डलेगा। अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप चावल का आटा डाल सकते हैं, मेरे पास दोनों ही चीज़ें नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही, मैं स्किप कर रही हूँ। इसके अलावा बाकी तो नमक मिर्च मसाला ही डलेगा, तो मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, ठीक है, हाथ से डाल लेते हैं। ये लीजिए नमक डल गया, और थोड़ी सी मैं ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको तोड़ दो, कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं, बाकी और कुछ नहीं डाल रही है इसको, बस हल्दी डालनी है इसमें, थोड़ी हल्दी भी डाल देते हैं, बस 1/2 चम्मच के करीब हल्दी डाल दें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको हाथों से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम तलेंगे। तलने के लिए मैंने तेल रखा हुआ है गैस पे, स्लो पे रखा है, भी तेज़ कर देती हूँ। तो बस इसके बाद इसको हम तलना शुरू करेंगे। मसालों को एक साथ ही डाल दिया है मैंने सरसों के तेल में, क्योंकि जो करेले होते हैं ना वो सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने सारा एक साथ डाल दिए हैं, उनको अच्छे से मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। और बाकी इसी तेल में अगर कम हुआ तो और डाल लेंगे सरसों का तेल, और इसी में मैं तड़का लगाऊंगी। तड़के के लिए मसाले भी तैयार है, वैसे होने ही वाला है, इसे 5 मिनट हो गए होते हुए, बस थोड़ा सा और कर लेते हैं, फिर इसको निकाल लेते हैं। और उसके बाद मसाले मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। ये कलौंजी है, ये काली सरसों है, और ये शाही मसाला, ये कश्मीरी लाल मिर्च, अजवाइन, और इसमें हींग है। बाकी चीज़ें और साथ के साथ ही डाल लेंगे। तो मसाले मैंने तैयार कर लिए हैं, तो चलो पहले प्याज काट लिए। करेले मैंने भून के अलग डूंगे में निकाल लिए हैं, और अब जो है इसके लिए तड़का तैयार हो रहा है। 2 प्याज काटूंगी, थोड़ा सा लहसुन, 2 हरी मिर्चियाँ, थोड़ा सा जो है अदरक, ये सारा काट के पहले मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर हम लगाते हैं इसको तड़का, ठीक है। फ्राई तो बहुत अच्छे से कर लिया है मैंने, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर। ले व्यूअर्स, तड़का लगाते हैं। ये थोड़ा सा मेरा वही तड़के वाला घी बचा हुआ है, वो तेल सरसों का, ये देखिए मैंने निकाल दिए थे, थोड़ा सा ही बनाए हैं, 4-5 करेले थे बस। और मैंने इसके लिए काट लिया है अदरक लहसुन, और ये 2 प्याज, और ये हरी मिर्चों को, 2 हरी मिर्चों को बड़ा बड़ा काट लिया है। बाकी सारे मसाले तो मैंने तैयार रखे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या डालेंगे, सबसे पहले हम डाल देते हैं कलौंजी और काली सरसों, ठीक है। कलौंजी भी गई अंदर और सरसों भी गई, और बाकी के मसाले डाल लेते हैं। अब हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, डाल दिया जीरा, ठीक है। बाकी इसके बाद मैं डाल देती हूँ अदरक लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट,
देखिए। उसके बाद डालेंगे प्याज, दो प्याज डालें, उनको बस फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। ज़्यादा देखो ऑयल नहीं है, सारा ऑयल ख़त्म हो गया, देखो ज़्यादा भी ऑयल नहीं है एक्स्ट्रा, तो थोड़े से ऑयल में ही मैंने काम चला लिया है। इसको गैस में तेज कर देती हूँ, साथ में मैं मसाले भी डाल लेती हूँ, क्या क्या डालना है देखिए। सबसे पहले नमक डाल देते हैं, नमक पहले उसमें भी डाला हुआ था इसलिए मैं कम ही डालूँगी, कड़वा ना हो जाए, ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा ही डालूँगी। नमक के बाद डालेंगे लाल मिर्च, वही वाली डालेंगे शाही मिर्च, कश्मीरी व मिर्च होती है जो वही डालूंगी, ये देखिए मिर्च डाल दी है, साथ में हिलाते जाओ। ये देखिए जी हरी मिर्च लंबी लंबी काटी है। इसके बाद डालूंगी मैं एक शाही मसाला, और ये है थोड़ी सी हींग, पहले डालने की भूल गई, साइड में ही रखी रह गई, एक बार ऐसे ही होता है हींग ना तड़के में पहले डालने थे, जब मैंने वो डाली थी उस समय डाल देनी चाहिए थी, जब मैंने वो डाली थी काली सरसों और कलौंजी डाली थी तब, ये देखिए ठीक है कलर अच्छा आ गया ना। उसके बाद इसमें हम डालेंगे, मैं डाल रही हूँ वो जो होता है खट्टा खट्टा, जैसे आप अम्बी भी डाल सकते हो उसकी जगह, ठीक है अनारदाना का जो होता है ना वो, ठीक खट्टा बनाए मैं टेस्ट, बाकी सारे मसाले डल ही गए सारे, ठीक है थोड़ा सा मैं धनिया डाल देती हूँ, धनिया नहीं डाला मैंने, धनिया पाउडर घर का पिसा धनिया थोड़ा सा ये डाल देते हैं बस, बाकी डल गया हल्दी, थोड़ी सी हल्दी भी डाल देते हैं, वैसे तो उसमें भी डाली थी पर चलो थोड़ी सी डाल देते हैं हल्दी, हल्दी भी डल गई, सारे मसाले डल ही गए, नमक मिर्च मसाला सब डल गए, तो भून लेते हैं अच्छे से। देखिएगा अब इसमें मैं डाल देती हूँ, ये देखिए कितना ऑयल है स्किन से, ये सारा निकाल के इसमें डालती हूँ क्योंकि तड़के में ना बहुत ही कम ऑयल था। चलो मिक्स कर दिया, अब ये बस दो तीन मिनट भून लो क्योंकि पहले ही अच्छे से गले हुए, बस मिक्स कर लो अच्छे से, बन गई हमारी सब्जी। गैस स्लो कर देते हैं थोड़ा, ठीक है व्यूअर सब्जी मेरी बन गई है। इसमें ना मैंने सौंफ भी डालनी थी, मैं भूल गई, मैंने बाद में डाल दी है, सौंफ जो थी उसको मैंने कूट के, दो चम्मच सौंफ जो थी कूट के रखी हुई थी उस साइड में पड़ी रह गई ना, वो मैंने डाल दी है, बाकी सारा बाकी टेस्ट करके देख लिया बहुत सही बनी है। और इस तरह से आप भी करेले की सब्ज़ी बनाइएगा, ये थोड़ा सा अलग तरीका था हट के, और इसको एक तरी वाली सब्ज़ी और एक सूखी सब्ज़ी के तौर पे साथ में आप रोटी रोटी के साथ या पूरी के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगी। चलो मिलते हैं अगली रेसिपी में। Over the horizon.